स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए असाइनमेंट फाइल या प्रैक्टिकल या वाइवा फाइल को कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आपके प्रैक्टिकल या वाइवा की डेट जो है वो आ गई है। 15 तारीख से आपके प्रैक्टिकल हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर, यहाँ पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आपको सभी फाइलें अवेलेबल करा रहे हैं। डीएलएड 4 सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको 8 फाइलें तैयार करनी है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम हिंदी की फाइल को लेकर के बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश, आपको मैथ, SST, ठीक है, शांति शिक्षा और साथ ही प्रबंधन जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड आपकी सभी फाइलें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप फर्स्ट पेज तैयार करेंगे जिसमें नेम होगी, क्लास होगी, ठीक है, और अपने कॉलेज का नाम, रोल नंबर वगैरह। तो ये आप फर्स्ट पेज पे डाल लीजिएगा विद सब्जेक्ट एंड टीचर्स नेम, ठीक है। तो उसके बाद आप डालेंगे विषय सूची, यानी आप जिसे इंडेक्स कहते हैं, अनुक्रमणिका हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंडेक्स बनाएंगे, क्रम संख्या, प्रकरण, पेज संख्या, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप जो भी टॉपिक लिए हैं यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने कौन से पेज पे क्या बनाया है, ठीक है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, डेट वगैरह अगर आपको डालने हैं तो डालिए, अदरवाइज आप इतना ही रखिए। तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आप ऐसे ही इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पेज पे आप क्या कुछ टॉपिक लिए हैं। तो यहाँ पर हिंदी का है हमारा टॉपिक, अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत तथा विसर्ग इत्यादि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो ये है आपका टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने संस्कृत वर्णमाला को चूज़ किया है हिंदी में, जो कि आपका अनिवार्य है। यहाँ पर दिया है संस्कृत वर्णमाला के समस्त वर्णों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट हैं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। तो ये आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है। स्वर, जैसा कि आप सभी को पता है, ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये जब भी बोले जाते हैं तो ये व्यंजन की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। इसमें दिया है ये स्वतंत्र होते हैं अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, वे आपके स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या जो है वो 9 है, जबकि हिंदी के स्वरों की बात की जाए तो आपके 11 देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जैसे आ यानी छोटा, छुटी, छुटाओ, ऋढ़, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, जिसमें मूल स्वर आपके 5 दिए हुए हैं और संयुक्त स्वर भी दिए हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। स्वरों के भेद दिए होते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋढ़, लृ, ठीक है। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर आएगा, यहाँ पर दिया है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना यानी 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ऋढ़, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा प्लुत स्वर, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आगे दिया हुआ इनको दर्शाने के लिए इनके बाद 3 का अंक लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में ओम, यानी इन स्वरों को, यानी इन स्वर को उच्चारित करने में आपको समय लगता है, जैसे ओम थोड़ा डीपली बोलना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा वक्त, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको आप क्या थोड़ा तेज से उच्चारित करते हैं, थोड़ा स्वर को धीमा करते हुए तेज उच्चारित करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलने में समय लगता है। इनमें 3 मात्राओं को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएंगे प्लुत स्वर। उसके बाद आएगा आपका व्यंजन। व्यंजन की बात की जाए तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है यानी 33। व्यंजन के भेद, व्यंजन इनके 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसमें दिया है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी इनको उच्चारित करने में
जो आपकी वायु है यानी श्वास वायु वो आपके विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है। इनकी संख्या जो है बात की जाए तो वो 25 होती है। ये कितने वर्ग होते हैं इनके? का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। तो सभी में पांच पांच होते हैं, 5 × 5 कितना हुआ 25। तो इस तरह से यहाँ पर सबके बताया गया है बारे में कि कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलेगी, कंठ से, ठीक है, तालु से, मूर्धा से, दंत और ओष्ठ से। तो इस तरह से आपके ये हो गए स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजनों की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण से ऊष्मा पैदा करती है, यानी जब भी आप कोई उच्चारण करते हैं शब्द का यानी वर्ण का, तो उसमें जो अक्षर निकलता है वो घर्षण के साथ निकलता है, ठीक है, इन्हें आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, शा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 होती है। उसके बाद अगले पेज पे हम जाएंगे, उसके बाद आएगा अनुस्वार यानी अंक की मात्रा। यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्णों के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, भंग, हंस, वंश, तंग। तो इस तरह से आप जो अंक की मात्रा होती है, जो अंग से अंगूर वाला होता है, अंक की मात्रा होती वो आपका अनुस्वार कहलाता है। उसके बाद आप डालेंगे विसर्ग। विसर्ग की बात की जाए तो इसमें आप लिखेंगे यह भी स्वतंत्र वर्ण न होकर वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वर वर्णों के पश्चात होते हैं, जो कि रा या सा का रूपांतरण मात्र हैं। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चरित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है। जैसे आप ज़्यादातर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है आपका बालकः, रामः, महेशः, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके विसर्ग हैं जो आपके शब्दों के पीछे आएंगे, यानी ये आपके ज़्यादातर स्वर के बाद ही आते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग ज़्यादातर आपको संस्कृत में देखने को मिलता है और काफ़ी सारे रूप वगैरह, धातु वगैरह हैं जिनमें भी आप इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप डालेंगे हलंत। इसमें आप लिखेंगे यह भी स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद होता है। हलंत का अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को बिना किसी स्वर के लिखना होता है तो उसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमेश्वर, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं ये आपका हलंत लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका अर्थ ही होता है आधा। तो ये हो गया हलंत। उसके बाद आप डालेंगे उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण का प्रारंभिक संस्कृत भाषा में क्या कुछ महत्व है, तो आप उसमें लिखेंगे भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, विशेषकर संस्कृत में, क्योंकि यह एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत का ध्वनि विज्ञान अन्य भाषाओं से, मान लीजिए आप उच्चारण की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में आप उच्चारित करते हैं कुछ शब्दों का अर्थ भिन्न हो जाता है। मान लीजिए आपने हिंदी में बोला बालका, ठीक है, संस्कृत में बालकः होता है, तो इस तरह से उच्चारण में असर काफ़ी कुछ पड़ता है। तो उच्चारण की बात की जाए तो प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो इसमें भी दिया कुछ चीज़ें, संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर पाणिनि ने प्रकाश डालते हुए कहा कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी जो आप बोल रहे हैं उसका जो मीनिंग है वो दूसरी हो जाती है या चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं हिंदी और संस्कृत में मिलती जुलती हैं, लेकिन अगर उनको उच्चारित किया जाता है तो उनका अर्थ जो है वो भिन्न हो जाता है। इसलिए उच्चारण शिक्षण का बहुत ही महत्व है। इसमें दोष वगैरह दिए हैं कि उच्चारण शिक्षण में क्या कुछ दोष हैं। पहला दिया है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, ठीक है, रुक रुक कर बोलना, उच्चारण अपूर्ण करना, तुतला कर या बुदबुदा कर बोलना, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, तो ये सारे दोष हो गए हैं, वही हैं। उसके बाद आप बात करते हैं उच्चारण में सुधार के लिए सुझाव वगैरह सब दिए हैं कि सर्वप्रथम शिक्षक को अपना उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक अपना उच्चारण सही से नहीं करेगा तो बच्चे भी वैसे ही उच्चारण करेंगे जैसे कि शिक्षक करेगा, ठीक है। यथासंभव टेप रिकॉर्डर इत्यादि यंत्रों की सहायता ली जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपके दिए हैं, आप इन्हें पढ़ करके लिख सकते हैं।
वाचन शिक्षण का अर्थ यहाँ पर दिया है कि वाचन शिक्षण क्या है। वाचन को पठन भी कहते हैं। भावों तथा विचारों को परिस्थिति एवं प्रसंग के अनुसार ग्रहण करना ही वाचन है। पठन द्वारा विद्यार्थियों को लिखित तथ्यों, विचारों, भावों को समझने में सहायता मिलती है। यानी वाचन का अर्थ ही होता है पढ़ना, ठीक है। जब आप लिखित चीज़ को पढ़ते हैं, उसके भावों को समझते हैं, तो वही आपका वाचन या पठन कहलाता है। तो ये हो गया पठन का अर्थ। यहाँ पर पठन के प्रकार दिए हैं। व्यक्तिगत पठन क्या होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करता है, यानी इंडिविजुअली रूप से फर्स्ट एक ही पर्सन जो होगा वो करेगा पठन। उसके बाद आएगा सामूहिक पठन। इसके अंतर्गत कक्षा के समस्त शिक्षार्थी एक साथ मिलकर स्वर, गति तथा लय में मौखिक पठन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सामूहिक पठन। तो ये सारे आपके दिए हैं। इसमें दिया है कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला दिया है आदर्श पठन, जो आपका शिक्षक द्वारा होता है। अनुकरण पठन, जो आपके शिक्षार्थियों द्वारा होता है। अनुपठन इसमें भी दिया है, जब शिक्षक द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जाती है और छात्रों द्वारा उनका अनुकरण यानी अन्य छात्रों द्वारा किया जाता है, तो उसे अनुपठन कहते हैं। और उसी तरह से मौन पठन, आपका जो मन में पढ़ा जाता है, इसमें लिखा है लिखित सामग्री को मन ही मन में चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना, उसके भावों को समझना, ठीक है, वो आपका मौन पठन कहलाता है। तो ये हैं आपके पठन के प्रकार। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइन से दी हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हैं। लास्ट में आएगा लेखन शिक्षण, यानी लेखन शिक्षण का क्या कुछ महत्व है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। लेखन शिक्षण संस्कृत भाषा की प्रचलित लिपि देवनागरी है। इस लिपि में विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यानी लेखन शिक्षण का अर्थ है लिखने के तरीके से, कि आप किसी चीज़ को कैसे व्यक्त कर रहे हैं लिखित रूप से, वही आपका लेखन शिक्षण कहलाता है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके दोष वगैरह इंटरनेट से देख करके लिख सकते हैं, अगर आपको फाइल ज़्यादा लंबी बनानी है। वैसे मिनिमम की बात करते हैं तो 10 पेज काफ़ी हैं आपके प्रैक्टिकल या वाइवा के लिए, और मैक्सिमम आप 15 या 20 पेज रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जितनी ज़्यादा फाइल लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप 15 पेज की लिख रहे हैं, तो आपको उतनी चीज़ें आनी चाहिए। मान लीजिए आप 8 पेज की लिखते, मिनिमम आप 8 पेज 10 पेज ही बना सकते हैं, क्योंकि आप जितना लिखते हैं उसी में से वाइवा में आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो आप कम से कम रखिएगा। फर्स्ट ईयर में देखा बच्चों ने काफ़ी 15-20 पेज की बनाई, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे, जबकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बच्चों ने काफ़ी कम पेजेस की बनाई थी, और उन्हें आसान भी था, क्योंकि एग्जामिनर ने जितना पूछा उन्हें आ रहा था, फाइल उतनी कम पेज की थी। तो आप कम से कम पेज की ही रखिए, ठीक है, एग्जामिनर पेज नहीं गिनेगा। तो इस तरह से आपका लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ करके, वीडियो पॉज करके बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं अपनी हिंदी की प्रैक्टिकल फाइल को। आपके जो DLED फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप इसे सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाचन, ये पठन, ये सब आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, स्पेशली ये आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे आपकी जो असाइनमेंट फाइल साइंस की रहेगी उसे लेकर के, और उसके बाद ऐसे ही लगातार आपकी 8 फाइल बताई जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।